थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना। आ जाए लास्ट राउंड में, आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ ली थी और गॉसेस थ्योरम के अलावा जो है गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपने किए हुए हैं ना। और गॉसेस थ्योरम में एक बार और हल्का सा केवल लिख देता हूँ क्योंकि उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आज का हमारा काम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का ही। बढ़िया स्क्रीन सही आ रही है। गॉसेस थ्योरम एक बार और एक सेकेंड में अगर दिखाई जाए उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ और फिर एक छोटी चीज़ और बताएंगे उसके बाद। जो एक कॉमन सा सवाल एक दो लोगों ने व्हाट्सएप पर पूछा था उसके लिए जाऊंगा। गॉसेस थ्योरम आपसे एक बहुत सिंपल चीज़ बताती है कि अगर आपका कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के भीतर सिचुएटेड है, द स्टेटमेंट सेज इफ़ अ चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस, और किसी भी क्लोज सरफेस में देखना है स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबिकल हो सकती है, दैट डजंट मैटर कि आपकी कौन सी सरफेस है, क्लोज होनी चाहिए। एंड इफ ए चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, तो ये आपसे कहता है द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। और टोटल फ्लक्स लिंक्ड का मतलब फिर याद दिला दूं, फ्लक्स का मीनिंग हमारे लिए क्या था, फ्लक्स का मतलब हमने आपसे कहा था टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अभी चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में ही है तो इन शॉर्ट लिख दिया है फील्ड लाइन्स, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है ना। और सबसे खास बात जो आपको लेनी थी वो आपको लेनी थी नॉर्मल टू सरफेस, और इन फ्लक्स के लिए या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो आपने गॉस थ्योरम जो हमने प्रूव की थी लास्ट टर्म को और जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो आपसे क्या कहती जा रही थी, फाई इज इक्वल्स टू होता है सुपरफिशियल इंटीग्रल वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस, और ये इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपसे कहा था नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, और इसीलिए आपको कई कंडीशंस मैंने जो है वो ज़ीरो फ्लक्स की भी दिखाई थी। ज़ीरो फ्लक्स के मैंने कौन से दिखाए थे, जिनमें क्लोज सरफेस के भीतर कहीं आपका जो है वो डाइपोल प्रेजेंट है, नेट चार्ज ज़ीरो है तो फिर आपका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट आपको याद था, एप्सिलॉन नॉट आपका था, एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने कहा था ये आपकी क्या कहलाती है, ये होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। वैल्यू भी हमने कल दो तीन क्वेश्चन किए थे 8.854 10-12 हम डिस्कस कर ही चुके थे। अब हम मेन बात पे आते हैं, सवाल आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। इस एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में मैं बताता हूँ, आप जो गॉस थ्योरम का सबसे पहला एप्लीकेशन लेते हैं वो एप्लीकेशन आता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ ध्यान देखना, यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में आपसे क्या कहा जाएगा, गॉस थ्योरम का जो बेसिक है वो किस कैलकुलेशन में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। दो मिनट में इस पर इस लाइन पे खर्च करता हूँ। जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे तो आपको ये याद आना चाहिए कि अभी एक पिछले किसी टर्न पर, एक दो टर्न पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, हमने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। और तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कौन से थे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, या और सिंपल कहा जाए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ। दूसरा आपने पढ़ा था सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज इज स्प्रेड ओवर एन एरिया और सरफेस। और तीसरा आपने पढ़ा था वॉल्यूम, चार्ज इज स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड ए वॉल्यूम। जब तीनों तरह के आपने पढ़े थे तो आपने तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज दी थी, ये आपको याद आएगा। एक आपने दी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा आपने दिया था सिग्मा यानी कि सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस के लिए हम एस भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। और तीसरा आपने लिया था रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आए मैं एक मिनट में ये चर्चा कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें गॉस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गॉस थ्योरम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आपको याद हो, जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सपोज करो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकाली। बहुत ध्यान से मेरी बात देखना, ये किया हुआ न्यूमेरिकल है आपका। इस सवाल को हमने एक बार किया था कि फोर चार्जेस जो भी वैल्यू दी हो, 2 कूलॉम या 3 माइक्रो कूलॉम, और दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर,
एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्या आपने ध्यान दिया है जब हम सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ चार तरह की फील्ड निकालते हैं, फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू द सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज और फिर चौथा चार्ज। फिर उन चारों का वेक्टर अलजेब्रा के डिफरेंट रूल से सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन या परपेंडिकुलर कंडीशन, उनके अकॉर्डिंग आप रिजल्टेंट फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये प्रैक्टिस आप देखेंगे यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर हमारी काम करेगी, अगर तीन चार पाँच चार्ज हैं तो बढ़िया है। बट इन केस ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज, बहुत सारा चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या आपका ध्यान जाता है इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएं तो सबका डिस्टेंस, सबका डायरेक्शन, सबके अलग अलग कंपोनेंट, इट विल बी वेरी टीडियस टू कैलकुलेट दिस, क्योंकि आपका ध्यान जाएगा हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ अलग ही भागेगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे किसी और एंगल पे होगी, इसकी किसी और एंगल पे होगी, किसी की बिल्कुल सामने होगी, किसी की यहाँ जाएगी। एक तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फिर आप उनके रिजल्टेंट कंपोनेंट जो भी करके निकालें, बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा। तो इस टीडियस जॉब का हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है और वो है टू टेक द हेल्प ऑफ द गॉसेस थ्योरम। जब गॉसेस थ्योरम की आप हेल्प लेना चाहेंगे तो आप देखना एक बहुत छोटा सा काम करूँगा, चलें इसको ही मिटा देता हूँ ताकि अपने को समझ में आए। चलें एक बार में पूरे साफ कर लेते हैं, फिर नए सिरे से बनाते हैं। गॉसेस थ्योरम की हेल्प जब आप लेना चाहते हैं तो गॉसेस थ्योरम की हेल्प कैसे ली जाएगी कि आपको मालूम है कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास है उसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं, और जब हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे तो ये याद रखिएगा दिस सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, ये सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पर एक चीज़ लास्ट टर्न में कुछ एक लोगों ने व्हाट्सएप पर पूछी थी, मैं उसको भी यहाँ भी क्लियरिफाई भी करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान चलें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, तो एक काम करें पहले तो अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। और सबसे पहला हम लेते हैं नंबर फर्स्ट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी। पहला मैं उठा लेता हूँ लाइन चार्ज, या आप कह सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस में आपसे डिस्कस करने आ रहा हूँ लाइन चार्ज का। जब आप लाइन चार्ज को लेंगे तो देखना, मैं सपोज करता हूँ मेरे पास कोई एक वायर है या रॉड है जिस पर मेरा तमाम सारा चार्ज स्प्रेड है, सो दैट इज़ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक सवाल आता है आप इसकी क्लोजिंग सरफेस कैसी बनाएंगे, और मान चले इसकी वजह से मुझे किसी पी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप कहेंगे तो मैं याद रखकर डिस्टेंस भी दिखा देता हूँ, लेट दिस डिस्टेंस बी आर। किसी ने कहा आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस पर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपको एक एनक्लोजिंग सरफेस की ज़रूरत होगी अगर आप चाहते हैं कि गॉस थ्योरम अप्लाई हो तो, और अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैंने कहा आप एक क्लोजिंग सरफेस बनाएंगे तो इस क्लोजिंग सरफेस के लिए ध्यान से देखें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में जो पेन है वो पेन आप देखना एक अपने आप क्लोज गॉसियन सरफेस को आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अंदर आपके एक रिफिल डली है पेन में, पेन की रिफिल आप ध्यान देखें प्लेन की, जो पेन की रिफिल है दैट इज़ एक्टिंग एज द लाइन चार्ज। उसके चारों तरफ आपने क्लोजिंग सरफेस बना रखी है जो भी प्लास्टिक का कवर है, और अगर इसको हम कायदे से बनाएं तो आप क्या कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो आपकी क्लोजिंग सरफेस आएगी वो क्लोजिंग सरफेस हो जाएगी ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जितना इधर लिया है उतना ही इधर लूंगा, क्योंकि मैंने कहा था सिमेट्री चाहिए मुझे, इसके चारों तरफ कैसा बनाऊंगा सिमेट्रिक, ना कि क्यूब बना दूंगा कि उसमें आपका सिमेट्री ना रहे, क्योंकि वायर उसकी एक एक्सेस पे होगा बाकियों पर नहीं होगा। और सिमेट्री के लिए मैं मान के चलता हूँ लेट दिस बी आ, आपके गिवन पॉइंट से पास होती हुई मैंने एक ये गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया है। तो एक छोटा सा काम करें, सबसे पहले एक फिगर बना दें मजे से, रफ कॉपी आप लिए बैठे हुए हैं एक फिगर मेरे साथ बनाएं।
और जैसे फिगर बना दें वैसे बताइएगा, एक लाइन चार्ज और उसका एक फिगर बना दें उसकी चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस का। क्या पूछा अमन, व्हाट इज आर एंड पी? अरे आर हमेशा डिस्टेंस होता है, पी आपका पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे, ये तो परमानेंट ले रहे हो, ये नोटेशन तो परमानेंट है अपने इलेक्ट्रिसिटी के। आर हमेशा आपका डिस्टेंस होगा और पी हमेशा आपका वो पॉइंट होगा जिस पे आप कैलकुलेट करने आ रहे हैं, तो परमानेंट नोटेशन है मेरे, ठीक है ना। एक सिलेंडर था उसके कहीं आर, सॉरी लाइन चार्ज था, आर डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे थे, मैंने उस पॉइंट से आती हुई गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली। जो आप इमेजिन करते हो उस बात बहुत ध्यान से देखिएगा। अगली चीज़, जब आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा गॉसियन सरफेस तो बन गई। साइड में एक लाइन लिख दीजिएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा आ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, साइड में आप बताएंगे आ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैन बी ड्रॉन, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैन बी ड्रॉन। अबाउट ए लाइन चार्ज कैन बी ड्रॉन अबाउट ए लाइन चार्ज, इन शॉर्ट हम जा रहे हैं आप लाइन चार्ज अबाउट कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखें कि आपको ऐसा नहीं आ रहा था, ये जो आपने सरफेस बनाई है एक्चुअली इस सिलेंड्रिकल सरफेस के तीन पार्ट होंगे। जो तीन पार्ट होंगे वो मेंशन करता हूँ, एक पार्ट आपको देखेगा इसका ऊपर का ढक्कन होगा, एक आपका नीचे का बॉटम होगा और एक आपकी कर्व्ड सरफेस होगी। थोड़ा सा फिगर को छोटा करता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक। अब जब आप इन तीनों सरफेसेस पर जाएंगे तो मैं जो आपसे बात करूँगा वो इसके आगे और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान है, कोई भी सरफेस, सरफेस आपका माना जाता था वेक्टर, और आपसे लास्ट टर्न पे भी कह रहे थे द सरफेस वेक्टर हैज़ द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन। बहुत ध्यान देखें, ये आपका ढक्कन, ये आपका सरफेस का प्लेन, इसका मतलब इस सरफेस का जो आपका एंगल होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ये हो गया मान चले, ये सपोज मैं करता हूँ ये आपका वेक्टर S1 पहला ढक्कन। ऐसे ध्यान देखना, ये जो बॉटम है इसका आपका जो वेक्टर जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा वेक्टर S2। अब आप जाएंगे तीसरा, ये ऐसे में है, इसका परपेंडिकुलर नजर आ रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर आप देख, चौथा छोटा कर दूं ज़्यादा लंबा हो गया, इसका जो आपका हमने कहा जाएगा परपेंडिकुलर वो कहाँ जाएगी, तो मैंने सपोज कर लिया ये है आपका वेक्टर S3। पहले तो तीनों सरफेसेस देखें, तीनों सरफेसेस के डायरेक्शन आपको समझ में आ जाए, एक डेरिवेशन पे अच्छे से टाइम देंगे ताकि बाकी आपको मज़े से बाद में आते रहें। इस सरफेस का परपेंडिकुलर या नॉर्मल इस तरफ जा रहा है वेक्टर S1 हो गई, इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर जाएगा S2 हो गई, और इस सरफेस का नॉर्मल या परपेंडिकुलर S3 इस तरफ जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। ठीक, तो मज़े से तीनों तीनों दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप तीनों दिखा देते हैं, मैं एक लास्ट काम करता हूँ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मालूम है अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज जाएंगी, यानी कि ये इसकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैंने ये भी बना दी और ये बना दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बस हमारा काम पूरा हो गया, अब हम आराम से कैलकुलेशन पर चल सकते हैं, ठीक। ये आपका फिगर, बस फिगर ही समझ में आना था, और एक ख़ास बात क्या समझ में आनी थी, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया S1 S2 S3, तीनों के डायरेक्शन बता दिए। अब हम इस्तेमाल करेंगे आपके लिए गॉसियस थ्योरम।
और आपको मालूम है जो हम लास्ट टर्न में प्रूव कर चुके हैं, मैंने कहा फ्रॉम गॉसेस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सुपरफिशियल इंटीग्रल। दूसरी बात आप देखेंगे, इस साल हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था, कि मैंने कहा था आप में से कुछ लोग इलेवेंथ पढ़ के नहीं आए, बहुत दुख भरी बात है। क्या आपको ध्यान है इंटीग्रेशन का मतलब होता था समेशन या टोटल। जब आप वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस, जब आप इन वैक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, समेशन या टोटल निकालने जा रहे हैं, तो आपका ध्यान जाएगा यहाँ पर अपने पास तीन सरफेस हैं, पहली दूसरी और तीसरी। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हैं टोटल, आपका ध्यान जाएगा टोटल इंटीग्रेशन के एक्चुअली एक नहीं तीन पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे मैं पहले लिख देता हूँ, वेक्टर ई डी एस प्लस वेक्टर ई डी एस और प्लस मैं लिखता हूँ वेक्टर ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप पूछेंगे टोटल समेशन के तीन पार्ट क्यों हैं, तीन पार्ट इसलिए कुछ इंटीग्रेशन आपका आएगा सुपरफिशियल इंटीग्रल होगा सरफेस S1 के लिए, कुछ पार्ट होगा आपका सरफेस S2 के लिए और कुछ पार्ट होगा सरफेस S3 के लिए। आराम से देखें, इस लाइन तक पहुंच जाएं, यहाँ तक कोई शंका हो तो मुझे बताएं, बस फिर हम आगे फुर्ती से चल देंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, लगभग लगभग हम सॉल्व कर चुके हैं। दिखा दें इंटीग्रेशन के तीनों पार्ट मजे से S1 S2 S3 के लिए। ठीक है, और जैसे ही हमने समेशन या इंटीग्रेशन या टोटल वैल्यू होल वैल्यू जो भी आप कहना चाहें इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से कंप्लीट किया, अब आखिरी काम, और आखिरी काम हमारे पास होगा वो क्या होगा, बढ़िया डन। अब ये आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस यानी कि ए बी कॉस थीटा, आ जाओ आराम से हम लिखते हैं। सबसे पहले देखें ध्यान से, इसका मतलब ये आपका ई इंटीग्रल डी एस, इंटीग्रल डी एस मतलब एस होना चाहिए, कौन सा एस होगा, पहली सरफेस होगी ई एस वन और साथ में कॉस, चलो कॉस के लिए भी जगह छोड़ देता हूँ, अभी एक साथ डिसाइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ध्यान देखें, ये भी होगा आपका ई इंटीग्रल डी एस यानि एस और कौन सा एस, एस टू साथ में आपका कॉस, ठीक, प्लस जगह छोड़ देता हूँ, ऐसे अभी ये साफ समझ में आ रहा होगा ई एस थ्री कॉस, और इन सब का टोटल कितना आना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक केवल छोटी सी चीज़ बची कि आखिरकार ये कॉस कॉस मैंने क्या लिखे, और सबसे पहले देखते हैं ई एस वन, ई एस वन ध्यान जाएगा ये ई जो आपको फिगर में साफ नज़र आ रही है और ये एस वन, और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा ई और एस वन के बीच का एंगल इस समय है, ऐसे ही ज़रा यहाँ निगाह मारें ई एस टू पर, क्या दिख रहा है ये ई और ये एस टू, ये भी एंगल आपके लिए कितना हो रहा है। और एक लास्ट ई एस थ्री, ये आपका ई और ये आपका एस थ्री, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ये एंगल है ज़ीरो डिग्री, बस लास्ट लाइन की तरफ और आगे बढ़ें। और एक छोटी सी बात मनोरंजन वाली बात क्या होगी भैया, कॉस 90 ज़ीरो होते हैं ये सबको मालूम है ना, कर दें मजे से और आगे बढ़ें। चाबी है बच्चे, चेक कर लेना। कर दिया, इसमें तो कोई समस्या नहीं, कॉस 90 ज़ीरो होते हैं, केवल एक बच्चे का कॉस 01 होता है बस। तो एक लास्ट काम आपके पास क्या आएगा, आपका लास्ट काम आएगा ई इंटू एस थ्री, अभी चर्चा करता हूँ एस थ्री की, फिर एक बार जगह छोड़ रहा हूँ, बराबर आपका हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस थ्री को ज़रा देखें,
S3 आओ दिख रहा है कौन सा एरिया है, S3 ये वाला एरिया है, कौन से की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया की। क्या कोई मुझे बताएगा माइक अनम्यूट करके ये एरिया कितना होगा? पाई 2 पाई आर एच। बढ़िया, वेल डन। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये लेंथ कितनी थी हमारी, चूंकि हमने लाइन वायर लिया था तो एच को बजाय एल मान लेंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सही हैं, S3 बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई समस्या तो नहीं। और अगर ऐसा लिख देते हैं तो देखें ध्यान से, आपकी ई निकल तो आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली कर दें, कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एंड दैट्स ऑल। इसलिए ना कहा था सरफेस एरिया रख दें मजे से, यू आर गेटिंग इट। तो आपकी इंटेंसिटी बिना किसी बहुत परिश्रम के निकाल आई है, एक बार इसको निकालें फिर मैं एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बताता हूँ, आराम से इसको निकाल दें 1 मिनट का टाइम लेके। कर दिया, मजे से वैल्यू रख दें और एंड करें। चलो हो गया अंजलि और भविष्य, बढ़िया ओके। जो आप कर देते हैं तो मैं फिर याद दिन बता देता हूँ ये मैंने ऐसा किया क्यों, इसको करने पीछे मुझे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अब हल्का सा नज़र तो आता रहेगा। मैंने कहा था ये चार्ज था, इस चार्ज की वजह से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अपने पुराने प्रिंसिपल पे निकालते, कौन से प्रिंसिपल पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, तो यहाँ पे जो है कहते कुछ नहीं होता, जैसे हिंदी में कहा जाता रायता फैल जाना, वो हो जाता। इसीलिए हमने कहा इस मेथड को हमने यहाँ पर हटाया। मैंने क्या लिया, एक लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के चारों तरफ एक क्लोजिंग सरफेस मान ली, क्लोजिंग सरफेस में वही गॉस थ्योरम लगा दी। कौन सी गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में दिखा देता हूँ, फाई बराबर सुपरफिशियल इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आपने थ्योरम लगाई, मैंने कहा था यहाँ 3 सरफेसेज हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब ही मालूम है, टोटल और समेशन, सो समेशन फॉर ऑल दी सर्फेसेज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस वेक्टर ई और अपनी गिवन सरफेस के अकॉर्डिंग एंगल देख लें, S1 का एंगल आपका 90 आ गया, S2 का एंगल इसका भी आप देखेंगे 90 आ गया, तीसरी सरफेस का आपका 0 आ रहा है, और एक छोटी सी टेंथ की बात पूछी थी क्या भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने बता दिया 2 पाई आर एल, दैट्स ऑल। अब एक छोटी सी ट्वेल्थ की बात इस्तेमाल करेंगे, इसको कर देंगे नंबर ए, कुछ नहीं इतना मत घबराना, बी इतनी दूर नहीं मिलेगा, नीचे सिर्फ इतना लिखूंगा और ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप पूछेंगे ये मैंने क्या किया, तो ये मैंने कुछ नहीं किया, आप जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे आपने ध्यान नहीं दिया था, आज की शुरुआत मैंने यहीं से की थी। मैंने आपसे कहा था आपने 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सुपरफिशियल चार्ज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो नॉर्मल है, आप यहाँ पर ज़रा देखें क्या हमारा क्यू अपॉन एल चार्ज पर यूनिट लेंथ आ रहा है, तो उसकी जगह मैंने लैम्डा लिख दिया, चाहो तो यहाँ लिख देना, और क्या लिख दोगे, यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट्स ऑल। अब एक अगली चीज बताता हूँ, न्यूमेरिकल पर्पज से इस फॉर्मूले को मैं हल्का सा चेंज करूंगा, तो इसको भी आप लिख दीजिएगा, और न्यूमेरिकल पर्पज से हम क्या चेंज करेंगे मैं दिखा देता हूँ, उसका कारण समझ में आएगा, कुछ खास नहीं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे मैं कर दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई मुझे बताएगा मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ सही कह रहे हैं,
एक्चुअली 1/4 pi epsilon naught की सेट वैल्यू है। अब तुम यहाँ 2 pi epsilon naught रखोगे तो या तो आधा करके रखोगे और या फिर बिल्कुल धज्जियाँ कर दोगे, पाई की रखो एप्सिलॉन नॉट आर की रखो, तो हमसे नहीं कैलकुलेट हुई तो तुम क्या करोगे, है ना। इसलिए बेहतर है 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इस टर्म की सेट वैल्यू है 9, 10, 9, बाकी जो 2 lambda/r होंगे वो अपन आराम से अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन रख देंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना, उसके लिए हम इस मोड में ले लेते हैं, बाकी ये ध्यान रखेंगे lambda/2 pi epsilon naught r। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कर दें यहाँ तक फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर दें मजे से, कोई दिक्कत नहीं। कर दिया सभी ने, एक तो बस एक ही लाइन तो लिखनी थी, यहाँ तक तो निकाल ही चुके थे, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये आपका 2 lambda/4 pi epsilon naught r। बढ़ जाऊँगा आगे, ये देखें ध्यान से, आपकी शीट में दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, ऐसा एक फिगर दिया है, आप देखेंगे आपकी शीट में ही चर्चा कर रहा हूँ। लेंथ दिया है ये आर और ई, चलो ब्लैक पेन की जगह कैसा उठाऊँ, गंदा वाला लाल उठाता हूँ, एकदम मोटा वाला, ठीक है ना। शीट का फिगर मैंने इसलिए दिखा दिया, किसी आदमी को रहे हमारी शीट में क्या बना है, तो कुछ नहीं बना, ये प्लस प्लस के चार्ज बने हैं जो भी मन बना रहा था। जो आप आर पूछ रहे थे, आर डिस्टेंस, हमेशा आर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करूँगा, पी पॉइंट के लिए इस्तेमाल होगा, ये आपका एक सरफेस और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, नंबरिंग ध्यान रखना, मैंने S1, S2 और S3 ले लिए थे, यहाँ S1, यहाँ S2 और यहाँ S3 हैं। ये बात कहना कि सर वहाँ S2 का एंगल 90 था, यहाँ 0 हो गया, है ना, इसके लिए थोड़ा अकल का इस्तेमाल करना, ये देख लेना नंबरिंग कहाँ है। बाकी रिजल्ट आपका क्या आएगा, 2 pi epsilon naught r l, जिसे आप कह सकते हैं lambda/2 pi epsilon naught r, जहाँ लेमडा क्या है आपकी सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। क्या ये क्लियर हो जाते हैं, बढ़िया। अब आगे की तरफ जाते हैं, अब आप जाएंगे एक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा और अगली हेडिंग आप डाल देंगे फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब दिख रहा होगा सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, एक हेडिंग डाल दें इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, आपकी ही शीट का जो है, जो आपके पास प्रिंटेड शीट मौजूद है उसी का फिगर उठा लिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ध्यान से देखें, अब की बार आपके पास कोई शीट मौजूद है, ये मेरे पास प्लेट है, और चलो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको रेड करता जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको देखे। मैंने वाली है इनफाइनाइट लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ कैसे शो हो रही है, ये जो नोटेशन है यहाँ देखना, ये बताता है कि आपकी लेंथ आगे तक गई हुई है, और ये मैंने मान लिया ये आपकी शीट। ठीक, अब इस शीट के साथ क्या है, शीट पर आपका जो है चार्ज मौजूद है, चार्ज प्लेट है, शीट है, और चार्ज भी चलो हम रख देते हैं इस पर, मैंने मान लिया ये आपके पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो एक काम करें, मेरे साथ साथ इतना फिगर बना दें जितना मैंने लाल लाल कर दिया है, ठीक है ना, बाकी चार्ज और रख देंगे तो चार्ज अपने उस पर है, भर देंगे एक आध मिनट बाद और कुछ बना दें, इतना फिगर बना दें शीट का। बना दिया, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आप ये फिगर बना देते हैं, सवाल आता है किसी भी शीट के लिए क्लोजिंग सरफेस क्या होगी। ध्यान देखना, किसी भी शीट के लिए क्लोजिंग सरफेस ये होगी कि मैंने कहा अगर ये आपकी कोई प्लेट या शीट है, एक ढक्कन आप इधर से लगा दें और एक ढक्कन इस पर दूसरी तरफ से लगा दें। अगर आप इस पर दो ढक्कन लगा देते हैं तो फिर मैंने कहा सिमेट्री, चूँकि शीट प्लेन है तो इस पर हेमी स्फेरिकल मत लगाना। मेरी बात समझ आ रही, इट इज़ बेटर कि आप प्लेन, जैसा प्लेन ये है ऐसा ही एक प्लेन ढक्कन इधर से लगाएं और ऐसा ही एक प्लेन ढक्कन इधर से लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो याद देखना, मैंने कहा अगर आप कोई सा भी शीट का पार्ट लेते हैं, इस शीट के मैं एक पार्ट को शो करता हूँ, ये रहा मेरा शीट का एक पार्ट जो मैंने इसमें ग्रीन कलर से लिया हुआ है,
इस पार्ट का एरिया जिसका हम मान लेंगे पार्ट का एरिया कितना है एस। इसके लिए मैंने कहा एक ढक्कन आप इधर से बना सकते हैं, और ऐसे ही एक ढक्कन आप क्या कर सकते हैं इधर से लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एक्चुअली एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस फिर तैयार हो जाएगी, इधर से, और ये मैंने मान लिया आपने एनक्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके बजाय नीले कलर का इस्तेमाल कर देता हूँ, आपको बेहतर दिखेगा। देखें जान, दोनों तरफ से मैंने दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल कैप्स लगा दी हैं। तो बड़े मज़े से आप एक काम करें, फिगर का इतना पार्ट कंप्लीट करें, दोनों तरफ से दो सिलेंड्रिकल कैप लगा दीजिएगा, और बिल्कुल आपको फिगर क्लियर कट दिखे, पूरा बोर्ड की साइज़ का कर दिया है। बना दें इतना फिगर जैसी बन जाए मुझे बताइएगा बस, क्योंकि इस फिगर में ही सब कुछ है, उसके बाद तो दुमट का काम और बचेगा हमारे पास। देख लें बाकी लोगों का भी बन गया, ठीक है। जैसे हमने बनाया, फिर ध्यान देखना, ये मेरे पास एक सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखते चलना। बीच में एस का हो गया, एस क्या है, एस उसका सरफेस एरिया लिखा है, ठीक है ना। कोई कहेगा एस क्या है, बाकी मैंने क्या कहा, किसी भी डिस्टेंस पे आपने सेम डिस्टेंस पे दोनों तरफ से दो सिलेंड्रिकल ढक्कन लगा दिए, तो सिलेंड्रिकल सरफेसेस से इसको हमने क्लोज कर दिया, इतने अपने गिवन पोर्शन को। जब आपने गिवन पोर्शन को क्लोज किया है, ध्यान देखो फिर आपका ये सिलेंडर बन रहा है। इस सिलेंडर की जो पहली सरफेस है, मैं पहले उसको दिखा देता हूँ। इस सिलेंडर के लिए ये मैं नीले कलर से दिखाता हूँ एरो, ये एरो ध्यान देखना, ये जो आपका एरो है ये बता रहा है आपका एस वन, और क्यों बता रहा है ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ढक्कन और जो ढक्कन है ऐसे में है उसका परपेंडिकुलर इधर ये आपका जाएगा, देख ले पेन मेरा अंदाज है आपको नज़र आ रहा होगा, ये ढक्कन और ये पेन इधर नज़र आ रहा है। अगर ये आ गया तो ध्यान देखना आपको S3 ये भी नज़र आ जाएगा, उस ढक्कन का उधर था, इस ढक्कन का इधर हो जाएगा, तो S1 और S3 बना दें। वही पिछला वाला फिगर है यार, पिछला वाला फिगर वैसे बना था वर्टिकल में, अब की बार ओरिएंटल बना रहा हूँ और कुछ नहीं। और ये जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, इसका नॉर्मल खींचोगे ये हो गया आपका S2 ख़त्म। S1, S2 और S3 दिखाएं फिगर में बड़े मज़े से, ठीक। मीटिंग में 4 मिनट शेष हैं, एंड हो तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, है ना। बड़े आराम से S1, S2, S3 दिखा दिए। अब अगला काम हम दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर हम एक बार लेते हैं रेड कलर। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम दी चार्ज, मतलब ये जाएगी कैसे जाएगी नॉर्मल टू सरफेस। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी कैसी जाएगी अवे फ्रॉम दी चार्ज, और अवे फ्रॉम दी चार्ज का मतलब ये लें, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हमारा काम पूरा हो गया। क्योंकि इस फिगर के होते ही हमारा जो है कैलकुलेशन पिछली बार की तरह निकल आएगी। दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दें, एक अवे फ्रॉम द चार्ज इधर और एक अवे फ्रॉम द चार्ज उधर, दैट्स ऑल।
मना दें आराम से, इलेक्ट्रिकल फील्ड कोई समस्या नहीं। मैंने दोनों साइड के अलग अलग कलर हमने इसलिए लिए हैं ताकि आप बिल्कुल साफ दिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाए, एरिया दिख जाए, अलग अलग आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आई होप सो अब आपने सारे बना दिए होंगे। ठीक, बस अब लास्ट काम हमारा, हमें इसके लिए लगानी है गॉस थ्योरम। पहले तो आप एक काम कर दीजिएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा फॉर, इसमें आप एक लाइन लिख दें और वो आप लिख देंगे फॉर, अरे फॉर ए गिवन पार्ट ऑफ चार्ज शीट द एनक्लोजिंग सरफेस, और ध्यान रखना एनक्लोजिंग सरफेस ही आपकी गॉसियन सरफेस होगी, है ना। और इसलिए मैंने लिख दिया किसी को सुनने में दिक्कत आए, द एनक्लोजिंग सरफेस विल बी इन फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल कैप्स एट आइदर साइड ऑफ इट। दोनों साइड आपकी किस फॉर्म में होगी, या आपके होगी सिलिंड्रिकल कैप्स के फॉर्म में, तो आराम से लिख लें। ठीक, जब सिलिंड्रिकल कैप के फॉर्म में होगी वैसी, आप इसके लिए आप क्या करेंगे, आप फिर चले जाएंगे फ्रॉम वही गॉस थ्योरम, क्या होना चाहिए, फाई इज इक्वल्स टू सुपरफिशियल इंटीग्रेशन वेक्टर ईडीएस इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, या आना चाहिए आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर वही पिछली बार ही चर्चा लूँगा वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस। ठीक है, अचानक से मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन कीजिएगा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के आप देखें ध्यान से, आपके पास तीन हिस्से होंगे, एक बार एस वन के लिए, एक बार एस टू के लिए और एक बार एस थ्री के लिए। मैं लिखता हुआ जाता हूँ, इसका मतलब आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बंद करो रिकॉर्डिंग जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस था, मैंने कहा पिछली बार की तरह तीन पार्ट के लिए लिखेंगे, तीसरा पार्ट आपका फिर वही आएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा ध्यान देखना, एक बार ये होगा फॉर दी सरफेस एस वन सुपरफिशियल इंटीग्रल, एक बार ये सुपरफिशियल इंटीग्रल होगा फॉर सरफेस एस टू, एंड इन द थर्ड टाइम इट विल बी द सुपरफिशियल इंटीग्रल फॉर एस थ्री। यही होगी टोटल हमारी कंप्लीट लाइन। तो एक काम करें, मेरे साथ साथ आगे बढ़ें, इस लाइन को कंप्लीट कर दें, सुपरफिशियल इंटीग्रल फॉर फर्स्ट, फॉर सेकंड एंड फॉर थर्ड सरफेस, इन सबका टोटल आपका कितना आना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाना चाहिए, कर दें। तीनों बार दिखा दें मजे से, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे आप ये तीन पार्ट दिखा देते हैं, सवाल ये है ई डी एस, तो मैं चलो और लिख देता हूँ अगली बार, वो भी आपको अंदाज है। इस बार आप देखिएगा ये आएगा ई एस, तो ई एस में एस वन कॉस, कॉस का पता नहीं, वो भी पीछे फिगर देख के देखूँगा। ठीक है ना, अगली बार क्या आएगा ई ए बी कॉस थीटा, कौन सा एस आएगा, दैट विल बी एस टू और साथ में कॉस, कॉस मैंने कहा भी पीछे देखेंगे। तीसरे नंबर पर ध्यान देखेंगे, फिर आपका आएगा ई एस थ्री और साथ में आएंगे कॉस, यही होगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपका कितना आना चाहिए, या आना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम जाएंगे
एक स्टेप पीछे। ज़रा देखें क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है, आपके S1 और E ये दोनों एंगल ज़ीरो पर हैं, S3 और E एंगल ज़ीरो पर हैं, यानी आपका थीटा S1 और S3 के लिए तो ज़ीरो है और S2 के लिए ये 90 है। और अगर मैं ऐसा नज़र आ जाता है तो बस इस वैल्यू को मैं एक ही बार में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, S1 के लिए ज़ीरो था, S3 के लिए ज़ीरो था, केवल और केवल S2 के लिए कितना था, ये 90 था। अब अगली चीज़ क्या आपको ये समझ में आता है, जो हमारे S1 और S2 हैं, S1 और S2 उतने ही होंगे जितना एरिया आपने यहाँ पर लिया था। जैसे हमने एरिया एस से लिखा था, हमने मान लिया था ये कितना एरिया है, ये एरिया एस है, ऑब्वियस है ढक्कन लगाओगे तो उतना ही एरिया इस साइड चाहिए, उतना ही एरिया क्योंकि सिलेंडर का चूँकि यूनिफॉर्म होता है तो चाहे यहाँ का एरिया देखें चाहे यहाँ का और चाहे यहाँ का तो एरिया सेम होंगे। मैंने कहा इसलिए आपका ये एरिया, अरे प्लस ये आपका ख़त्म हो गया और ये भी एरिया इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आप बता सकते हैं एस वन इज इक्वल्स टू एस थ्री इज इक्वल्स टू कितना है एस, और बस हमारा डेरिवेशन लगभग एंड हो चुका है 99%। मैंने कहा कितना हमारा डेरिवेशन एंड हो गया, 98% ऊपर ख़त्म है, एक आध लाइन और लिखनी है केवल क्योंकि हमारा लगभग लगभग एंड अप है। तो रख दें आराम से वैल्यू, इतना दिख ही रहा है कितना हो जाएगा आपके लिए, ये भी आपको अंदाज है, दैट विल बी 2ES इज इक्वल्स टू, तो ज़बरदस्ती लंबा करना है चाहे इतना लंबा कर लो, चाहो तो यही निकाल लेते हैं छोड़ो। E बराबर कितना आएगा, E बराबर आपका आ जाएगा Q अपॉन टू एस एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही आप ऐसा निकाल देंगे वैसे ही आपको फिर से याद दिलाऊंगा तीन तरह की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों याद दिला रहा हूँ, ध्यान जा रहा है, देखो ध्यान से अपने आप देखने लगेगा कि आपका चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ये बन जाएगा अगली बार में यूनिट उसके लिए। तो इसको आप कर देंगे और E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और बगल में आप बता देंगे वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस इज, अब तो लिख लोगे सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, ये तो मालूम है ना, एक लाइन और बढ़ा दें, सो वी आर गेटिंग इट फॉर द प्लेन शीट ऑल्सो। कर दें कंप्लीट, एक ये लाइन कंप्लीट कर दें और एक इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है, ये आपके शीट्स तक का हो जाता है। अब एक नेक्स्ट आते हैं, एक नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एक बहुत सिंपल सी, और अगला आप डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स। नेक्स्ट आप डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स, जब आप पैरेलल प्लेन शीट्स की चर्चा करते हैं तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर बना है। मैं इस फिगर की जगह सिंपल फिगर लेता हूं, ध्यान से देखें, और मैं दो केसेस में इसको डिस्कस करूंगा। और एक ख़ास बात बता देता हूं, ये जो आपने पीछे क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन के लिए मैं ये बता देता हूं, तमाम सारे एग्जामिनेशन जो भी आप देंगे चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जब भी आप इनके पिछले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का 100% इस चैप्टर में से मिलेगा ही मिलेगा।
किसी में दो शीट दी होंगी, किसी में तीन दी होंगी। मैं दो तक कराता हूँ, तीन में कुछ खास नहीं वो भी बता दूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं दो भी में भी कुछ नहीं है, दो आला मामला भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, केवल आपको एक कॉमन सेंस लगाना है, ध्यान से इधर देखें। मैं माने चलता हूँ एक बहुत छोटी चीज़, आपने हेडिंग डाल दी थी टू चार्ज पैरेलल शीट्स का आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले लिख देता हूँ आपकी, मान के चले मैं लेता हूँ लाइक चार्ज डेंसिटीज, और बहुत ध्यान से मुझे देखना, अरे कभी कभार हम एक छोटी सी गड़बड़ करते हैं वो आपको दिक्कत देगी। लाइक चार्ज डेंसिटीज का मतलब ये है कि अब की बार मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, उसको देखें। और ये है मेरे पास एक प्लेन शीट, और ध्यान रखना है प्लेन शीट ऐसे में खड़ी हुई है, मैं मान चला हूँ थ्री डायमेंशनल हम नहीं बना रहे, ऐसे में कौन बनाएगा, तो सिंपल बना दिया है। और एक शीट में मान के चलता हूँ ये है जो इसके पैरेलल खड़ी है, ये शीट मान लीजिएगा ए, ये आप मान लीजिएगा बी, ठीक। अब एक छोटा सा काम करते हैं, मैं मान चलता हूँ इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा वन और इसकी चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव सिग्मा टू। दोनों शीट्स के आपकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लाइक चार्ज डेंसिटीज हैं, और आपको साफ नज़र आए शीट, इसलिए मैं दोनों शीट्स ऐसी कर देता हूँ, आपको नज़र आने लगेंगे, ठीक है। छोटा सा फिगर बनाया मेरे साथ लाइक चार्ज डेंसिटीज का, और उसके बाद बताऊँगा कि एक्चुअली मैं ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके, जो आप पढ़ चुके हैं उसी का क्वेश्चन, ख़त्म। जब भी मैंने कहा आप सैंपल पेपर अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर पुराने उठाएंगे, आपको ये क्वेश्चन मैंने कहा था हर बार मिलेगा, आपसे कहा जाएगा ए और बी दो शीट हैं, पी और क्यू दो शीट हैं, इनमें आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करें लेफ्ट ऑफ ए पर, बिटवीन द ए एंड बी, राइट ऑफ बी पर, जहाँ भी आप चाहें। मैं तीन पॉइंट्स पर निकालता हूँ या तीन जगह निकालता हूँ, मैं मान चलता हूँ पहला एरिया ये, दूसरा एरिया ये, और मैं मान के चलता हूँ तीसरा एरिया ये। इन तीन जगहों पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, करना क्या पड़ेगा, तो मैंने आपको जवाब दिया कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करना था वो सब आप इस चैप्टर में पहले ही कर चुके। आप ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले इस पार्ट नंबर वन की तरफ बढ़ता हूँ। जब आप पार्ट नंबर वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, क्या आपको ये समझ में आता है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी, एक शीट नंबर ए की वजह से और एक शीट नंबर बी की वजह से। जब दो की वजह से शीट की आपकी इंटेंसिटीज डेवलप होंगी, तो फिर एक अगला सवाल, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी अवे फ्रॉम द शीट। इसलिए मैंने कहा था जो पढ़ना था जो करना था वो आप सब पहले ही कर चुके, इसका मतलब इस पर पहली इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी ई ए अवे फ्रॉम द चार्ज। और ध्यान से देखें, इसी पर एक इसकी वजह से भी काम करेगी, ये भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है दैट्स वाई इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ये कहाँ लगेगी, ये भी आपकी इसी डायरेक्शन में लगेगी। और मुझे ध्यान से देखते चलना, क्योंकि मैंने कहा था ये ऑलरेडी इस टाइप के न्यूमेरिकल हम एक स्क्वायर या ट्राइंगल के लिए चार्ज रख रख के कर चुके हैं। जब मैंने कहा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इसका मतलब भैया तुमने ध्यान नहीं दिया, हमारे पहले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ई फर्स्ट बराबर कितना होगा, दोनों दिख रहे हैं सेम डायरेक्शन के, ई ए और ई बी। अंतर केवल इतना है, जब आप पॉइंट चार्ज का रिजल्टेंट निकालते थे तो आप वैल्यू रखते थे 1/4π0qr², क्योंकि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला वो था। अभी आप शीट की निकाल रहे हो, शीट में शीट का फॉर्मूला रख दो, तुम कहोगे क्या रख दें, मैंने कहा ये रख दो, शीट के फॉर्मूले क्या सोचना, अभी यार एक सेकंड पहले ऊपर वाली लाइन में तुम्हें निकाल रखा है, तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा, इसका मतलब ई फर्स्ट जो पहले रीजन की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2ε0 पहले का, और हाँ अब जो एक फॉर्मेलिटी लुवा करते हैं सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन LCM लेके, वो आप कर सकते हैं, उस पर मैं नहीं कर रहा। हाँ इसी का ज़रा सेकंड पार्ट देखें बहुत ध्यान से, तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा, फिर उस बाद हम लिखेंगे सेकंड पार्ट, और दिखा दूँ सेकंड पार्ट में जाओगे, ये है पॉजिटिव शीट, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर काम करेगी, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी, इस या चलो छोड़ो पी क्यू आर क्या मानना, पॉइंट तो दिख रहा है ना,
इसकी इंटेंसिटी यहाँ जो काम करेगी वो कैसी जाएगी, अवे फ्रॉम द शीट। और अवे फ्रॉम द शीट मतलब इसका डायरेक्शन आपका होगा। अब इसी पॉइंट पर एक और इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू द शीट नंबर सेकंड। इस शीट की वजह से जो आएगी ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अवे फ्रॉम द शीट होगी, लेकिन इस शीट से अवे उधर होता है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इसका डायरेक्शन जाएगा। अब मेरा बिल्कुल एक सीधा सा सवाल है, आराम से एक चीज़ देख लें बस, क्योंकि मैंने कहा था ना मेरा क्वेश्चन एक्चुअली वो है जो आप पहले कर चुके हैं, इसमें मुझे नया कुछ नहीं करना था। ये देख के बताएं क्या दोनों केसेस में आपको ई ए और ई बी के डायरेक्शन प्रॉपरली समझ में आ जाते हैं या नहीं, बस दैट्स ऑल, ये बताएं। दोनों केसेस में कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। आराम से देख के माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप, पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसीलिए मैं क्लास में कम्युनिकेटिव क्लासेस हैं, आपको शंका है आप पूछ लें, माइक अनम्यूट करें पूछ लें, अगर और नहीं पूछेंगे तो मान के चलूँगा कि सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बताएं क्या सभी को आ गया, हाँ ना बताएं, बढ़िया। तो मैंने कहा यहाँ पर फिर दिखा देता हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, दोनों अवे फ्रॉम द शीट हैं, ये हो गए। यहाँ पर इसका इससे अवे और इसका इससे अवे और इसका मतलब रिजल्टेंट, तो अपने आप समझ में आ गया होगा बिल्कुल। और भविष्य आपका कहना है समझ में आ गया, तो बस देखें ध्यान से ई सेकेंड कितना हो जाएगा, दिख रहा है ई सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने कहा वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत यहाँ से बताई दी थी, अपोजिट है, डिफरेंस आएगा, और इसका मतलब ई सेकेंड आपका कितना आएगा, ये आएगा ख़त्म। बाकी मैंने कहा आप रिजल्टेंट जो कह रहे हो कि भैया एलसीएम लेंगे वो आप कर ही लेंगे, इतना नोट कर दें दोनों जोन का मज़े से। दोनों जोन का दिखा दें आराम से, कर दिया ठीक है। तीसरे का वैसे ही दिमाग लगा लो यार, पहले वाले का अवे फ्रॉम द शीट, शीट से बाहर ये गया, दूसरा वाला ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द शीट, ये भी यहीं गया, तो इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट दिख रहा होगा, इसमें आपका यही पार्ट रिपीट हो जाएगा सिंपली, इसको आप सेल्फ कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक। दिखा दें मज़े से, इतना ही फिगर बहुत है, बस ख़त्म। अब मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन करता हूँ, मैं मान चल रहा हूँ ये आपने नोट कर दिया, अब देखें अगला महान काम आए। ठीक है, तीसरे में बस इतनी हिंट बहुत है, ई ए प्लस ई बी वही आंसर निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। केवल एंटरटेनमेंट के लिए तीसरी चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, सपोज करें ये चार्जेस अनलाइक हो, तो एक नंबर बी डाल दीजिएगा, नंबर बी आप दिखा दीजिएगा अनलाइक चार्जेस। अभी हम काय के लिए चले आएंगे नंबर बी, इसका मतलब हम सपोज करेंगे ये आपका प्लस है और ये हो गया माइनस। अब मैं आंसर नहीं निकालूंगा, ठीक है ना, अब मैं सिर्फ एक लाइन लिख के काम चला दूंगा, उसके आगे आप सेल्फ कैलकुलेट करेंगे। अनलाइक चार्ज डेंसिटीज में एक फिगर बना दें, कौन सा फिगर, वही दो शीट वाइट वाली, प्लस सिग्मा वन और माइनस सिग्मा टू, बना दें एक सेकंड में फिर से शीट्स, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूं हल्का सा।
बना दिया डायग्राम। अब इस डायग्राम को ध्यान से इधर देखें, आए इस डायग्राम को हम एक बार फिर से देखते हैं। अब इस तरफ देखें, फिर जोन वन टू जोन थ्री आए देखें। जैसे आप जोन वन टू और थ्री में जाएंगे, जोन वन टू और थ्री में सबसे पहले हम इंटेंसिटी देखते हैं एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर जोन वन में जो पहली इंटेंसिटी आएगी इस पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी आती है अवे फ्रॉम द चार्ज। और अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब है कि इंटेंसिटी कहाँ आएगी, इसकी इंटेंसिटी आएगी अच्छा एक मज़ेदार बात, दूसरा है नेगेटिव, इसलिए उसकी इंटेंसिटी आएगी टुवार्ड्स द नेगेटिव। और जब टुवार्ड्स द नेगेटिव आएगी तो देखो ध्यान से दोनों इंटेंसिटी अलग अलग भाग रही हैं, यानी ये आपका हो जाएगा ये माइनस ई बी। चलो इसका आंसर निकाल देता हूँ, केवल और केवल यानी ई फर्स्ट आपका कितना होगा, ये होगा सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यानी आप कह सकते हैं चलो और थोड़ा एंटरटेनमेंट, टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू कर दें आराम से। और ये याद रखिएगा, इसमें हिंदी में लिख देता हूँ, अब ये बात पूछना है क्यों लिख दिया है, तुम भी लिख दो बस, जब गलत करोगे तब बता देंगे क्या 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 गलत कर रहे हो। इसके लिए पहले एक न्यूमेरिकल कराएंगे कभी ना कभी, जब तुमसे गलत निकालोगे फिर याद दिलाऊंगा तुम कहाँ गलती कर गए हो, इसलिए लिख दो मजे से। सिग्मा वन सिग्मा टू की न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे, साइन मत रख दीजिएगा क्योंकि ये कहानी कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट हो जाती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नहीं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दी चार्जेस। चलो उस पर चलेंगे आराम से, कभी डाउट आएगा फिर एक बार क्वेश्चन को करके तब दिखाएंगे। अभी ज़रा देखें ध्यान से क्या आप चलें, पहले तो इतना नोट कर दें ई फर्स्ट वाला, क्योंकि उसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी मैं तो केवल मैं एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा हल्का सा। देखें क्या आपने ई फर्स्ट दिखा दिया ई ए और ई बी, और दोनों का डिफरेंस दिखा दिया ई ए माइनस ई बी, और एक नोट आप नीचे लिख दें। हो गया नहीं हुआ, देखें साइड का पार्ट हो गया सभी का ठीक है। अब इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देखो आपको अब क्या आएगा, ई सेकंड वाला देखें, जब आप इस पार्ट पर जाएंगे तो क्या आपने ध्यान दिया ये पॉजिटिव था, चलो थोड़ा और नीचे उतार लूँ, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव की इंटेंसिटी कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ ई ए। और ये कलर नहीं दिख रहा हो तो वापस वाइट कर लेता हूँ ठीक है ना, मैंने कहा ये आपका कहाँ आ जाएगा ई ए अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का कहाँ आ जाएगा टुवार्ड्स द नेगेटिव, खत्म बात। डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मैंने कहा इतना ही पर्याप्त है बना दें। और ऐसे तीसरा बना देता हूँ, तीसरा भी देख लो फिर बनाना आराम से। तीसरे में पॉजिटिव वाला ई ए जाएगा अवे फ्रॉम दी, और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा टुवार्ड्स द नेगेटिव। बस मेरा अंदाज है इतनी हिंट पर्याप्त है, इसका आंसर भी आओ दिख रहा होगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसमें भी डिफरेंस आएगा, इसमें इन दोनों साइड डिफरेंस आएंगे, बीच में एडिशन होता है। कर दें ये लास्ट काम कंप्लीट ठीक, कैलकुलेशन मैंने कहा आप घर पे मज़े से खुद कर सकते हैं, इनके नीचे की दोनों के फिगर दिखा दें, इसका भी और उसका भी मज़े से, ये लो
हो गए, बाकी हमने कहा कैलकुलेट कर देना यार, आप कैलकुलेट भी हमसे ही करवाओगे क्या, वो तुम खुद कर सकते हो। ठीक, ये आपके प्लेन शीट्स वाले थे, वही सब लिखे हैं अलग अलग रिजल्ट, ये तो मैंने कहा तुम्हारी शीट में से ही हैं। और आगे बढ़ोगे, अब तुम्हारे पास एक जाती है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल से पहले बस ये लास्ट टॉपिक होगा स्फेरिकल शेल का, ठीक है ना। इसके पहले आपका कोई क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन शायद तुम्हारे शीट में मैंने शामिल नहीं कर पाए, देख लेते हैं एक बार है या नहीं। नहीं दिख नहीं रहे, और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें है नहीं, चलें कोई दिक्कत नहीं। इसके क्वेश्चन जो है आपको अगले टर्न पे एक 6, 7, 8 क्वेश्चन है उनको आराम से करा देंगे, और एक आपका करा दिया जाएगा इसमें कौन सा वाला पार्ट जो मैंने कहा था वो हो जाएगा, एक सिंपल सा आपका स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल वैसे लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दी गई थी, पर इस साल का पता नहीं है या नहीं, बाकी तमाम सारी जगहों पे चूंकि आती है तो स्फेरिकल शेल में कराऊंगा ज़रूर। लगभग लगभग आपकी जानकारी के लिए मैंने कहा पहला चैप्टर नियरली लगभग लगभग एंडेड है। अब आपका जो काम होगा उसमें ये होगा कि यहाँ तक कि आप जितने न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं सारे कर लीजिएगा, अगले टर्न पर मैं एक हाफ एन आवर में तकरीबन स्फेरिकल शेल लगा के कम्प्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम जो है जो कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको फिर हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपके लिए जैसे एक रिंग का एक डिस्क का ये आप लोगों के लिए लिया जाएगा, तब तक मैंने कहा अपना ये पूरा चैप्टर जो एक बार रिवाइज कर दें बेहतर रहेंगे, ठीक है। चलें यहाँ पर विराम ले लेते हैं।